विरासत की देखभाल और संरक्षण हेतु प्रयास। तो यहाँ पे जो है हमें हमारे विरासत की देखभाल किस तरह करना और उसके संरक्षण के लिए किस प्रकार से प्रयास करना उसके विषय में बताया गया है। प्राकृतिक विरासत के देखभाल और संरक्षण हेतु प्रमाण निम्नलिखित है। सन 1952 में भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीवों के लिए बोर्ड की संरचना की है, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए साधन उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और पक्षी घरों के निर्माण हेतु मार्गदर्शन देना तथा वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागृति फैलाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सन 1952 में भारत सरकार ने जो है भारत के जो वन्य जीव है उनके लिए बोर्ड की संरचना की है, जो कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो है साधन उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय उद्यान बनवाना, उसके बाद पक्षी विहार, पक्षी घरों के निर्माण के लिए मार्गदर्शन देना, अभयारण्य बनाना जैसे जो है तथा वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागृति फैलाने का जो कार्य है वह होता है। सन 1972 में वन्य जीवों से संबंधित कानून लागू हुआ, जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्य और आरक्षित क्षेत्रों का समावेश किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सन 1972 में जो है वन्य जीवों से संबंधित यहाँ पे कानून लागू हुआ, जिसमें कि राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्य और आरक्षित क्षेत्र जो है उनका समावेश किया गया है। देश में नए उद्योगों और अभयारण्यों की स्थापना की गई है। विरासत की देखभाल और सुरक्षा के लिए देश के कानून को विशाल परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। लुप्त हो रहे विशिष्ट पौधों और पशुओं को बचाने के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि देश में जो है नए उद्योगों के लिए तथा नए उद्यानों के लिए तथा जो अभयारण्य है उनके लिए स्थापना की गई है, और उसके बाद जो है विरासत की देखभाल और सुरक्षा के लिए देश के जो कानून हैं उन्हें विशाल परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। साथ ही साथ में जो पौधे या फिर जो पशु लुप्त हो रहे हैं उनके लिए कठोर कानून बनाए गए हैं कि उन पशुओं को तथा वह जो विशिष्ट प्रकार के पौधे लुप्त हो रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुँचाए तथा उसका संरक्षण किया जाए, इसके लिए जो है इस प्रकार से कानून बनाए गए हैं। सरकार उपरांत विविध संस्थाएं और समितियां भी पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण का अत्यंत उपयोगी कार्य करती है, जिनमें सन 1883 में स्थापित मुंबई प्राकृतिक इतिहास समिति सबसे प्राचीन संस्था है। वर्तमान समय में गिर फाउंडेशन, नेचर क्लब वगैरह संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण का उपयोग कार्य कर रही है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सरकार उपरांत जो है विविध संस्थाएं तथा समितियां भी जो है पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी कार्य कर रही है। इसका मतलब हमें बताया गया है कि सरकार जो है वह तो यहाँ पे वन्य जीवों के लिए तथा जो पौधे वगैरह है उनके लिए कार्य कर रही है, परंतु उसके अतिरिक्त जो कुछ समितियाँ है, पर्यावरण समितियाँ वगैरह जो है, संस्थाएँ वगैरह जो है, वे भी इनके लिए कार्यरत है, जिनमें कि सन 1883 में स्थापित जो है मुंबई में प्राकृतिक इतिहास समिति जो सबसे प्राचीन संस्था है, और वर्तमान समय में जो है गिर फाउंडेशन, नेचर क्लब वगैरह संस्थाएं जो है यह सभी संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण का उपयोग कार्य कर रही है। अपने अनमोल विरासत को बनाए रखने के लिए सरकार ने संविधान की व्यवस्था की है। संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों में विरासत के संरक्षण की बात का समावेश किया गया है। तो यहाँ पे बताया है कि अपने अनमोल विरासत जो है उसे बनाए रखने के लिए सरकार ने संविधान की व्यवस्था भी की है। जैसे कि विद्यार्थियों हमने जाना था कि संविधान में जो है कई प्रकार के यहाँ पे कर्तव्य जो है उसके विषय में जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार से संविधान में भी जो है यहाँ पे अपनी अनमोल विरासत को बनाए रखने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। साथ ही साथ संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य में जो है विरासत के संरक्षण की बात का समावेश किया गया है कि विरासत का संरक्षण करना, उसे किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचाना, यह जो है प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेष स्थलों की देखभाल तथा देखभाल संबंधी कानून। तो यहाँ पे जो है हमें प्राचीन स्मारक हमारे जो है, पुरातत्वीय स्थल जो है और अवशेष स्थल जो है उनके देखभाल करना तथा उनके देखभाल के संबंधित जो कानून है उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। भारतीय विरासत जैसे जैसे खतरे में पड़ने लगी वैसे वैसे उसकी सुरक्षा के प्रयत्न भी तेज हुए। इसके संरक्षण में विविधता देखने को मिलती है।
तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत की विरासत जो है जैसे जैसे खतरे में पड़ने लगी, लोगों ने उसकी अवगणना करना शुरू कर दी, वैसे वैसे जो है उसकी सुरक्षा के लिए प्रयत्न जो है वे भी तेज होने लगे और इसके संरक्षण में जो है विविधता हमें देखने को मिलती है। पुरातत्वीय विरासत को सुरक्षित रखने के लिए संसद ने 1958 में प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों से संबंधित कानून बनाया, जिसके अनुसार प्राचीन कलाकृतियां, धार्मिक स्मारकों, ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्व के स्थलों और अवशेषों आदि की सुरक्षा का सुझाव दिया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारी पुरातत्वीय विरासत जो है उसे सुरक्षित रखने के लिए संसद ने 1958 में जो है प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेष के संबंधित जो कानून है वह कानून बनाया है, जिसके अनुसार प्राचीन कलाकृतियां, धार्मिक स्मारक, ऐतिहासिक स्मारक, पुरातत्व के स्थल और जो अवशेष आदि प्राप्त हुए उनकी सुरक्षा किस प्रकार से करनी उसके विषय में सुझाव दिया गया है। पुरातत्व विभाग के नियमानुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्थल पर उत्खनन नहीं कर सकती है, अतः चोरी छुपे किया जाने वाला उत्खनन रुका है और विरासत के स्थल आज तक सुरक्षित है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पुरातत्व विभाग के जो कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, एजेंसी जो है वह भारत सरकार की अनुमति लिए बिना जो है किसी भी स्थल पर उत्खनन नहीं कर सकते है। इसकी वजह से जो है चोरी छुपे होने वाला उत्खनन वगैरह का जो कार्य है वह रुका है और हमारे विरासत के स्थल जो है वह आज तक सुरक्षित है। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। उनके रखरखाव की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को सौंपा गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि केंद्र सरकार ने जो है महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक स्थल जो है उनको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है और उनकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वह पुरातत्व विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को सौंपा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी जो है वे सभी राष्ट्रीय स्मारक को संभाले। मात्र सरकार द्वारा कानून बनाने से नहीं बल्कि लोगों को नैतिक जिम्मेदारी से अपने विरासत का संरक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मात्र सरकार के द्वारा कानून बनाने से ही नहीं बल्कि लोगों जो है उन सभी लोगों को विरासत का संरक्षण जो है अपना एक नैतिक कर्तव्य समझकर अपने विरासत का संरक्षण करना चाहिए। पुरातत्व विभाग नष्ट हो गए या नष्ट होने के कगार पर पहुँचे स्मारकों, स्थलों का निश्चित पद्धति से मरम्मत करवाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पुरातत्व विभाग जो है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है वे जो है जिसको कि जो यहाँ पे नष्ट होने वाले हैं स्मारक वगैरह जो है स्थल वगैरह उनके निश्चित पद्धति से मरम्मत करवाते हैं। इमारतों का मरम्मत करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसका मूल स्वरूप, आकार, कद वगैरह बना रहे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो इमारतें वगैरह जो है जो कि नष्ट होने की कगार पर है तो उनकी यहाँ पे मरम्मत करवाते समय जो है कुछ बातों का यहाँ पे पुरातत्व विभाग को ध्यान रखना होता है कि जिसकी वजह से वह जिस उद्देश्य से बनाया गया है वह उद्देश्य, उसका मूल स्वरूप, आकार, कद वगैरह जो है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान न हो और वह जो है जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में बना रहे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नामक सरकारी अपने विभाग अपने देखरेख में लगभग 5000 से अधिक स्मारकों और स्थलों के रखरखाव के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है वह जो है यह विभाग अपनी देखरेख में लगभग 5000 से अधिक स्मारकों और जो स्थल है ऐतिहासिक उनके जो है रखरखाव के लिए यहाँ पे प्रयत्न करते है कि उनकी सुरक्षित उनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए तथा उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए इसका जो कार्य है वह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करते हैं। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बहुहेतुक योजना के कारण संगमेश्वर मंदिर, पापनाशम मंदिर के समुद्र में डूब जाने की स्थिति थी, परंतु पुरातत्व विभाग ने इन मंदिरों को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के आलमपुर में बड़ी सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया है।
तो यहाँ पे हमें बताया है कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर जो है उसके योजना के कारण संगमेश्वर मंदिर जो है, पापनाशक मंदिर जो है, वह समुद्र के पानी में डूब जाने की स्थिति में आ चुका था। परंतु पुरातत्व विभाग जो है उन्होंने इस मंदिर को जो है आंध्र प्रदेश के महबूब नगर के आलमपुर में जो है बड़ी सफलतापूर्वक जो है यहाँ से जो है नागार्जुन के सागर पर से वहाँ पर उन्हें स्थानांतरित कर दिया है। विश्व के सात आश्चर्यों में आगरा के ताजमहल की गणना की जाती है। मथुरा की रिफाइनरी तथा उद्योगों के धुएं वायु प्रदूषण के कारण ताजमहल का श्वेत संगमरमर धुंधला और पीला पड़ रहा था, जिसके कारण पुरातत्व विभाग ने प्रदूषण फैलने वाले उद्योगों को बंद करवा दिया तथा ताजमहल के नियमित साफ सफाई के लिए उचित व्यवस्था की। आज ताजमहल की चमक बनी हुई है। तो यहाँ पर हमें बताया है कि विश्व के जो सात आश्चर्यों में जो हमारे भारत का एक आगरा है, जो कि आगरा का जो ताजमहल है उसकी गणना की जाती है। तो यह जो ताजमहल है यह वहाँ पे आए हुए मथुरा की रिफाइनरी तथा औद्योगिक वायु प्रदूषण के कारण जो है ताजमहल का श्वेत संगमरमर जो है वह धुंधला और पीला पड़ रहा था, जिसके कारण जो पुरातत्व विभाग के लोग थे उन्होंने यहाँ पे पुरातत्व विभाग ने प्रदूषण फैलने वाले उद्योगों को बंद करवा दिया तथा साथ ही साथ ताजमहल की जो है नियमित साफ सफाई के लिए उचित व्यवस्था भी की है, जिसकी वजह से आज तक जो है हमारे ताजमहल की चमक बनी हुई है और हमारे ऐतिहासिक स्थल जो है वे सुरक्षित है। उसके आगे का हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।